नमस्कार, गीता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केले की पकौड़ी। आइए हम बनाते हैं। ये केले की पकौड़ी बनाने के लिए हमने पहले केले को कट कर लें, फिर आगे प्रोसेस बताएंगे। देखिए, हम तीन पीस ऐसे इसको कट कर ली हैं। अब इसके बाद में हम देखिए, हाथ एक दो घंटे के लिए काला होगा, इसलिए ग्लव्स लगाना हो जिसको लगा लेना चाहिए। केले को हमने कट करके साफ से धुल ली है और हम बाद में बनाएंगे, इतना बनाकर आपको दिखा दें। पहले देखिए, 250 ग्राम हमने बेसन ली है, इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच और गरम मसाला हम डालेंगे एक चम्मच, नमक डालेंगे एक चम्मच, क्योंकि हम 250 ग्राम लिए बेसन, हमें और बनाना है। देखिए, चम्मच नमक ले लिए हैं और हम लिए हैं चिल्ली फ्लेक्स एक चम्मच और हम लिए हैं एक ड्रॉप कलर ऑरेंज कलर। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे हम पहले। अब इसको हम मिक्स कर दिए हैं। अब गैस को ऑन करें, पहले तेल गर्म करें, इसको ऐसे मैश करते रहे। देखिए, कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, इसमें हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। देखिए, तेल मेरा गरम हो गया है, हम ऐसे ऐसे इसको करेंगे, एक एक मिनट अंतर करके हम करेंगे, नहीं तो एक दूसरे में चिपक जाएगा। देखिए, ऐसे हम इसको पलट देंगे। देखिए, ऐसे हम इसको निकाल लेंगे पहले। अब दो डालेंगे ऐसे। ऐसे हम सारे बना लेंगे। ऐसे हम सारे बना लिए हैं। देखिए, केले के पकौड़े मेरा बनकर तैयार हो गया है, हम चिल्ली सॉस से सर्व कर दिए हैं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।